स्वस्थ रहने के 30 नियम, छोटी मगर बहुत काम की बात है। आइए देखते हैं क्या है। सुबह उठते ही गुनगुना 2 गिलास पानी उठते ही जरूर पिए और पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीते रहें, कभी भी आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। 2, रोज़ दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। 3, अगर आपको उल्टियों की प्रॉब्लम है तो तुरंत ही नमक चाट लें, आपको राहत मिल जाएगी। 4, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से के नुकसान, पेट बढ़ जाता है, खाना पचता नहीं है, मोटापा बढ़ता है, गैस एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं, तो तुरंत ही पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा थोड़ा आधा घंटा बाद पी सकते हैं। 6, आंवले का मुरब्बा खाने से आपको विटामिन सी की कमी कभी नहीं होगी। 6, सेब खाने के तुरंत बाद पानी भूलकर भी ना पिएं, इससे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, तो सेब खाने के बाद फ्रूट कोई सा भी हो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, ये नुकसानदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7, एक तुलसी के पत्ते का सेवन रोज़ करें, आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। 8, दोपहर का खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले आपको सलाद ज़रूर खाना चाहिए, आपका शरीर बहुत अच्छा और स्वास्थ्य भी मस्त रहेंगे। 9, खट्टी चीज़ें खाने के बाद कभी भी दूध न पिएं, यह आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। 10 देख लेते हैं। जो महिलाएं रात को सोते समय चेहरे पर बादाम के तेल की मालिश करके सोती हैं, उनका चेहरा एकदम चमकदार होता है और झाइयां और झुर्रियां भी नहीं होती हैं, तो बादाम का तेल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, खासकर फेस के लिए। 11, रोटियों पर घी लगाकर खाने से वजन जल्दी बढ़ता है और शरीर ताकत बनी रहती है। 12, दूध के साथ कभी भी खट्टी चीज़ ना खाएं, यह आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, तो दूध पीने के या दूध के साथ कभी भी खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स एक वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब भी बादाम भिगोकर खाएं, बादाम का छिलका हटाकर ही खाएं, बादाम का छिलका नुकसानदायक होता है। 13, नाशपाती हमारी रूखी त्वचा को ठीक करती है, हमें नाशपाती ज़रूर खानी चाहिए, तो नाशपाती हमारे सेहत के लिए अच्छी रहती है और रूखी त्वचा वालों के लिए तो काफ़ी अच्छी होती है। 14, अगर आपकी हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है तो समझ जाना चाहिए आपकी कैल्शियम की कमी है, तो आपको दूध, दही, पनीर, सोयाबीन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 15, चावल का उबला हुआ पानी बालों पर लगाने से बाल चमकदार होते हैं, झड़ने भी और सफ़ेद भी नहीं होते हैं, तो झड़ते भी नहीं हैं। 16, अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है तो भुने हुए चने खाएं, आपको राहत मिलेगी, तो भुने हुए चने बहुत ही अच्छे होते हैं, ज़रूर आप सेवन करना चाहिए। 17, अगर आपको भूख कम लगती है तो अमरूद में काला नमक डालकर खाएं, इससे भूख बढ़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 18, तो पूरी वीडियो फुल देखें तभी समझ में आती हैं क्या क्या है। 18, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर कम होता है उनको खजूर खाने चाहिए, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, तो खजूर बहुत ही अच्छा होता है ब्लड प्रेशर में। 19, अगर मधुमक्खी काट ले तो उस जगह पर बेकिंग सोडा लगा दें, तुरंत राहत मिलेगी। 20, सुबह के टाइम हरी घास पर बैठकर लंबी सांसें लेने से दिल की कोई बीमारी नहीं होती है, तो सुबह में हरी घास पार्क वगैरह हो जहाँ भी, आप ज़रूर से उस पर जाएं। टिप्स 21, अगर आप मूंगफली को भिगो करके खाते हैं तो आपको खूब सारा फाइबर मिलता है, क्योंकि मूंगफली फाइबर से भरपूर होती है, तो फ्रेंड्स मूंगफली को भिगो कर खाना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। 22, बाजरे की रोटी खाने से बदहजमी आपको कभी नहीं होगी, इसलिए बाजरे की रोटी खानी चाहिए। 23, किडनी की पथरी के लिए तरबूज का जूस पिएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24, जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उनको कभी दही और खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। 25, बाल धोने से पहले गुनगुने तेल की मालिश करने से बाल मजबूत होते हैं। 26, ज़्यादा गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। 27, नींबू पर चीनी डालकर खाने से चक्कर आना बंद हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28,
तांबे के बर्तन में 8 से 10 घंटे पानी रखा हुआ पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है। नंबर 29, गन्ने के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से झाइयाँ कम होने लगती हैं। नंबर 30, सर्दी जुखाम होने पर गर्म पानी में कपूर डालकर भाप लेने से सर्दी जुखाम में राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। इसमें से एक भी नुस्खा आपको अच्छा लगा है कमेंट करके जब बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।